अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की एकदम फेमस रेसिपी जिसे हम मसाला डोसा कहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मसाला डोसा का बैटर। यहाँ पे ले लिया है मैंने इसमें एक कप चावल और एक कप उड़द की दाल का रेशो रखते हुए मैंने ये यहाँ पे एक पेस्ट बना लिया है। उसे रात भर भिगो कर रखना है और उसे फिर सुबह में आपको पीस लेना है और उसे पूरे दिन के लिए आपको जो है खमीर उठने के लिए रहने देना है। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पतला पेस्ट बनाएंगे और इसमें नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 7 से 8 आलू ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ले लिया है। 3 हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है और कुछ कड़ी पत्ते ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 2 बड़े अनियन को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और कोरिएंडर लीव्स ले लिए हैं। चलिए अब देखते हैं हमें इसका मसाला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। अब गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे, ऑनियंस ऐड कर लेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे आपको 2 इंग्रेडिएंट के बारे में बताना बिल्कुल भी भूल गई। पहला तो सॉल्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। सेकेंडली हल्दी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। और हम डोसा बनाने के बाद ऊपर से हम शेजवान चटनी लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। हमारी प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉल्टे हो गई है। अब हम इसमें हमारे पोटैटोज मिक्स कर लेंगे। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी और नमक भी ऐड कर लिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी तरकारी पक्के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस पे नॉनस्टिक पैन ले लेंगे। नॉनस्टिक पैन जो है बहुत ज़रूरी होता है घर में, अगर हम डोसा बना रहे हैं। उसके ऊपर हम चम्मच की मदद से डोसे को स्प्रेड कर देंगे, से राउंड शेप दे देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाए इस पर हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा साइड्स में ऑयल लगा लेंगे। हम इस पर ब्रश की मदद से शेजवान चटनी को अच्छे से फैला लेंगे। शेजवान चटनी से डोसे का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अगर आप ऐड करना चाहें, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हमारी जो हमने तरकारी बनाई हुई थी डोसे की, वो हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। अब हम इसे स्पैचुले की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। इसे चेक कर लेंगे, हमारा डोसा जो है नीचे से अच्छी तरह से लाल हो चुका है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे एक साइड से, फिर हम इसे दूसरी साइड से भी फ्लिप कर से हम प्लेट में निकाल लेंगे।
हमारा मसाला डोसा बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।